हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी मिर्ची का अचार। आपके लिए बहुत सिंपल रेसिपी लेके आया हूँ। इसके लिए मैंने लिया एक चम्मच लाल मिर्च, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच नमक, गरम मसाला एक चम्मच, हल्दी एक चम्मच और चार चम्मच लिया मैंने इसमें राई पाउडर। ये सारे सूखे मसाले हम मिला लेंगे ऐसे ही। और मिर्ची मैंने काट के पहले से ही रख ली है स्लिट करके। मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली है जो कम तीखी होती हैं। अब इनकी हम बीच में फिलिंग करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैं इनको भर रहा हूँ मसाले को, सूखे मसाले को। और ये चटपटा मिर्ची का अचार एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसमें कि आप इंस्टेंटली भी खा सकते हैं इसको, इधर डाला और उधर खा भी सकते हैं रेडी बिल्कुल खाने के लिए। वैसे तो इसका मज़ा जो है आता है 3 दिन के बाद बढ़िया से, जब ये थोड़ा मिर्ची खटास पे आ जाती है। ये सारी मिर्ची मैंने भर ली है इस तरीके से। 250 ग्राम हरी मिर्ची ली है मैंने, ज़्यादा नहीं ली है। अब ये मिर्ची एक सारी मैंने बोल में डाल ली है और मैंने इसमें लिया है सरसों का तेल जो कि मैंने गरम करके ठंडा कर लिया है। पहले 100 ml के करीब तेल लिया है और 5 से 6 चम्मच लिया है मैंने विनेगर के, वो ऑयल में ही मैंने मिक्स कर लिए हैं। तेल गरम करके ठंडा जरूर कर लें, नहीं तो तेल के कच्चेपन का स्वाद आ जाता है। ये तेल इसमें डाल दिया है, साथ ही में विनेगर भी मिक्स था इसमें, वो भी डाल दिया है मैंने। मिक्स करेंगे इसको एक अच्छा सा, इस तरीके से मिला लेंगे अच्छे से। और मिला के ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो गया है। क्योंकि हमने इसमें विनेगर डाला है इसलिए ये जल्दी खट्टा हो जाएगा। आप चाहें तो 2-3 दिन बाद भी इसको कंज्यूम करें, बहुत बढ़िया अचार बनता है, सिंपल। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। रेसिपी एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।